वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। इससे पहले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं बिलाल भाई के स्टूडियो में मौजूद था और हूँ, ठीक है। इस व्लॉग में आप लोगों को सबसे पहले उनकी स्टूडियो विजिट करवाता हूँ और इसके बाद उनका गाड़ी, घर, जिम, लाइफस्टाइल और जैसे मैंने बताया है कि उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है। और जो लोग चैनल पे नए हो कहें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। शुरुआत करते हैं उनके सिल्वर प्ले बटन सेट जिस पे लिखा हुआ है टॉप फॉर यू फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब और उसके साथ टच लगा हुआ है, ठीक है। टॉप फॉर यू फॉर पासिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ये चीज़ हमें भी मिल सकती है अगर आप लोग हमें सपोर्ट करें, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ऊपर सारे जो वो गैजेट्स वगैरह लिए हैं, उनके जो डब्बिया वगैरह है वो रखी है, ठीक है। इस तरफ एसी लगा हुआ है, उसके साथ नीचे टच उनका पीसी और ये माइक, ठीक है। और यहाँ पे ये उनका गेमिंग चेयर पीसी, इस पे भी नमी भाई विराजमान है। और ये लाइट्स, ठीक है, जो के स्टूडियो को रोशनी देने के काम आते हैं, ठीक है। ऊपर भी लाइट्स लगे हुए हैं लेकिन रोशनी की कमी है, ठीक है। तो फिर ये लाइट्स लगाते होंगे, अभी हम नहीं लगाएंगे, ज़रूरत नहीं है हमारे लिए रोशनी, ठीक है, इतनी काफ़ी है। और ये सारे ट्राइपॉड्स उनके जो कैमरा लगाने के काम आते हैं। और ये भी उनका एक गेमिंग, यहाँ पे एक दूसरा पीसी था जो कि सेल कर दिया है उन्होंने, ठीक है। ये एक रिंग लाइट और यहाँ भी कुछ सामान, ये एप्पल के डब्बिया वगैरह, ये उनके फ़ोन जो थे, ठीक है। और ऊपर काफ़ी प्यारी सीलिंग हुई है और रूम छोटा सा रूम है लेकिन बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है तो इसलिए अच्छा लग रहा है। और आज हम यहाँ सोएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अनुमी भाई ऊपर, ठीक है। और ये उनके आईपैड है और ये लैपटॉप है, ठीक है। एक लैपटॉप उस तरफ भी पड़ा हुआ है, देखिए एक ये है, ठीक है। और ये अपने लिए उन्होंने रखा है और ये आज स्पेशल हमारे लिए डाल दिया है। मैंने उनको कहा कि आप हमारे साथ सो जाए, मैं और अनुमी भाई नीचे सो जाते आप ऊपर, लेकिन चले गए घर में कि भाई आज आप ये रूम आपका है। और वो सामने ये देखिए, ये उनका गिटार बजाना उनको भी नहीं आता और हमें भी नहीं आता, बस रूम की जो है वो शान बढ़ाने के लिए रखा हुआ है। तो ये जी कंप्लीट स्टूडियो है, आप लोगों को दिखा दी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी जी हम सोने लगे हैं, बस यहाँ पर मैं सो जाऊँगा यहाँ पर अनोमी भाई, और फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है दिन के 10 बजे, ठीक है। हमें भी बिल्कुल पता नहीं चला, सो गए तो बस सो गए, ठीक है, थक गए थे। और बिलाल भाई ने भी हमें नहीं उठाएगा भाई, सोने दो लड़के को। और अभी नाश्ता करते हैं, बिलाल भाई से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर घर वापसी करेंगे। रात हमने बहुत इंजॉय किया था, तकरीबन दिन रात के 11 बजे बिलाल भाई हमें ले गए थे एक बहुत प्यारी सी जगह थी, वहाँ पे चाय पी, यहाँ पे बहुत गपशप की। हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसे पेश नहीं है कि भाई उनकी एक फैन फॉलोइंग है, ठीक है, 13-14 लाख सब्सक्राइबर है, एक गुरूर तकब्बुर कुछ भी नहीं, ठीक है। उनके वाल साहब बहुत अच्छे से मिले, जब हम आ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बिलाल भाई नहीं थे, पिंडी गए थे, उनका एक काम था, ठीक है। हमने जब उनको कॉल किया कि हम रास्ते में, अपने अब्बू को बोला कि भैया आप जाएं फ्लाइन स्टॉप से उनको पिक करें, वो हमारे पीछे आ गए थे, वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। बिलाल भाई जैसे पिंडी से आए, यहाँ से पिंडी का ट्रेवल 3-4 घंटे का तो है ही, ठीक है, ज़्यादा है बल्कि, तो जैसे ही आए बस उससे लेके रात जब तक सोए नहीं थे हमारे पास थे, गपशप की, यूट्यूब के बारे में समझाया, फिर बाहर लेके चले गए। बिल्कुल भी उनसे लग के ऐसा नहीं लगा कि भाई उनके अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, बहुत अच्छे इंसान है,
और बहुत उनसे मिलकर खुशी हुई। अभी आप लोग भी मुलाकात भी करवाते हैं। ये जी बिलाल भाई का डेरा, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको यहाँ पे बिठाते हैं, हमें भी यहाँ पे बिठाया था, फिर घर लेके चले गए स्टूडियो वगैरह में। और ये देखिए ये इलाका है और ये हमारे नौमी भाई रेडी हो गए हैं। और ये देखिए ये बिलाल भाई की गाड़ी है जो रिसेंटली उन्होंने बाइक की थी। और ये डेरा है, देखिए नौमी भाई आप डोर खोल दो। बिलाल भाई ने कहा कि मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ जो करीबी स्टॉप है वहाँ पे, तकरीबन 15-20 किलोमीटर उसका भी फासला है। हमने कहा कि हम चले जाते हैं, तो बिलाल भाई ने कहा कि नहीं मैं खुद ही आप लोगों को ड्रॉप करूँगा। आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊँ। बिलाल भाई आगे आपका इरादा है कोई दूसरा चैनल बनाने का या नहीं? यार सोच रहा हूँ अभी, बस सीन ये है कि कोई तरह अपना बंदा मिल जाए ना जो वीडियो एडिट कर दिए, फिर वाली चला गया। अभी मैं सोच रहा था कि कोई एक चैनल प्रॉपर तरीके से रेगुलर जिस तरह 4 साल पहले शुरू कर जिस तरह करते हैं, पर वो तो चला गया। आप अकेले मुझसे ना वेबसाइट वाला सारा काम मेरे पे आ गया, आप मेन चैनल पे भी नहीं टाइम हो रहा है। अच्छा सोचा तो कहूँ कि कोई चैनल ना और बनाया जाए। इस कॉन्टेंट को तो मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हाँ स्टार्टिंग में सबको टेक ही नजर आता है, उसमें सीन ये था कि एक मोबाइल से भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, हो जाती है। ब्लॉग में नहीं कर सकते थे, कैमरा बेकार था। बाकी सीन थे और अब ब्लॉग्स के भी इतना ज्यादा हो गए हैं कि बस ब्लॉग्स भी विलेज वाले सारे लोग की तरफ जा रहे हैं। ये है बिलाल भाई का विलेज, देखिए हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, एक साइड पे दूसरी साइड पे आगे ग्रीनरी टाइप, माशाल्लाह बहुत प्यारा इलाका है।